92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी ही शक्ति का दूसरा नाम है और शक्ति अधूरी है ज्ञान के बिना। अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं लोग। अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है तो उसका दुरुपयोग न करते हुए उसका सदुपयोग करना सीखिए। लोगों की हेल्प कीजिए जो वाकई में आपकी तरफ बांट जो होते हैं, जिनको आपके मदद की ज़रूरत है उनको हाथ दीजिए। ऐसे कुछ लोग जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे आपका, आइए इस सुबह में, इस मंगल सुबह में उनको हेल्प करने की सोचते हैं। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना इस दिन की देती हूँ आपको मंगल, करोड़ों बधाइयाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। अभी सूर्य उदय होंगे और चारों ओर प्रकाश फैलेगा। आप सूर्य के 12 नाम लेंगे, ओम गुरुणी सूर्याय नमः का जाप करेंगे, सूर्य को प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनकी अगवानी करने से आपके अंदर बहुत ही शक्ति का संचार होता है। आज 9/8/2016 मंगलवार है। आज चंद्र तुला राशि में अहोरात्र शीतला सप्तमी है, मंगला गौरी पूजन भी है महाराष्ट्र में, और नक्षत्र है चित्रा। सुबह 11:52 तक और उसके बाद है स्वाति यानी कि राहु का नक्षत्र। अब नक्षत्र ज्योतिष भी ऐसा ज्योतिष होता है जो कि कई बार आपको राशि में जो चंद्रमा गोचर कर रहा है वो सूट कर रहा है, बट उसका नक्षत्र नहीं सूट कर रहा। तो आज जो हम मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य सुनेंगे वो भी इस नक्षत्र के हिसाब से कि 11:52 से पहले क्या महसूस हो रहा था और 11:52 के बाद क्या महसूस होगा। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना आती हूँ इसी तरह बताने मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य। बात चल रही थी मेरी शक्ति की, आद्य शक्ति की, जगदम्बा की, भवानी की, और माँ की आराधना किए बगैर आपकी शक्ति संचार कैसे होगा। तो आइए अपने अपने शरीर में शक्ति संचार करते हैं, यही शरीर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आपका तहे दिल से एक बार फिर एकदम शुभ शुभ आपको सारी पॉजिटिव एनर्जी देते हुए स्वागत करती हूँ आपका। कैसे हैं आप लोग सब? इस सुबह की बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, और बधाइयाँ ले लीजिए मुझसे, क्योंकि एक बार फिर आपको आनंद मिलने जा रहा है मेष से लेके मीन राशि तक के भविष्य के लिए। बट अभी फिलहाल सुनिए मेष से लेके कन्या राशि तक का भविष्य। नक्षत्र ज्योतिष मैंने पिछले बार आपसे कहा और नक्षत्र के हिसाब से आपका भविष्य। मेष राशि, चंद्रमा तुला राशि में मेष राशि के लिए, लेकिन तुला राशि में सन्मुख चंद्रमा की वजह से इनमें आज शक्ति संचार होगा, खुशियां छाएंगी और इनका जो व्यक्तिमत्व है वो निखार पर आएगा। जो नक्षत्र है इनको, वो चित्रा नक्षत्र सुबह 11:52 तक सूट कर रहा था, बाद में जो राहु का नक्षत्र आएगा उसमें ये थोड़े से परेशान हो जाएंगे माइंड को लेकर और बच्चों को लेकर। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आज जो है नक्षत्र इनको दोनों सूट कर रहे हैं, जो 11:52 तक चित्रा नक्षत्र और उसके बाद का जो स्वाति नक्षत्र दोनों सूट करते हैं, और चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो सूट नहीं करती। तो ऐसे में आधा कुछ अच्छा जा रहा है, कुछ खराब जा रहा है, तो बैलेंस हो गया है। तो बैलेंस होने पर आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि कुछ तो राहत मिलती है आपको और आने वाले दिन अच्छे भी होंगे। जब निके दिन आएंगे बनत ना लगे देर, शत्रुओं से यानी कि अपने काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से सावधान रहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए 11:52 तक जो मंगल का नक्षत्र है वो आपको सूट नहीं करता, वीकनेस है आपको, तबीयत ठीक नहीं बहुत दिनों से आपकी, क्योंकि ग्रह ही कुछ ऐसे चल रहे थे, मंगल शनि युति भी चल रही थी षष्ठ में आपके रोग स्थान पे, तो काफ़ी वीक फील कर रहे हैं आप। तो स्वाति नक्षत्र आपको जाके सूट करेगा, ये 11:52 के बाद थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे आप अपने शरीर में, बस पंछियों को थोड़ा सा दाना डालते रहिए। कर्क राशि,
कर्क राशि के लिए आज आपको 11:52 के अंदर वाला नक्षत्र यानी कि चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र सूट करेगा और थोड़ी राहत मिलेगी माइंड के लिए। गर्म दिमाग ना होइएगा, घर में झगड़ा ना कीजिएगा, बच्चों के साथ या अपने आप को क्लेश न पहुंचाइएगा जिसकी वजह से आपकी तबीयत ना खराब हो। सिंह राशि के लिए आज जो नक्षत्र है वो आपको 11:52 तक सूट कर रहा है। बाद में राहु के नक्षत्र से भ्रम पैदा होंगे, थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं हैं आपके जीवन में वो आपको महसूस होंगी फालतू में, जबकि वो भ्रमित कर रही हैं और कल आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों गलत सोच रहा था। तो अभी से उस स्थिति का जायज़ा ले लीजिए। और आज आपको तुला में चंद्रमा पराक्रम करवाता भी है और आपको प्रवास पे ले जाता है, आपके सिबलिंग से आपको मिल रहा है प्यार। कन्या राशि के लिए आज जो चंद्रमा द्वितीय में पैसा लेकर, परिवार में सुख लेकर, वाणी में ओझ लेकर आए हैं और आज जो नक्षत्र है वो 11:52 के बाद वाला स्वाति नक्षत्र सूट करता है आपको और आपको विदेश यात्राओं से लेकर कई ऐसे भ्रम पैदा करवाता है कि जैसे आप वाकई उड़ रहे हैं हवा में, हवाई जहाज में जा रहे हैं। थोड़ा सा भ्रमित स्थिति से बाहर निकलिए, अभी ये स्थिति पूरी तरह बनी नहीं है तो तैयारी कीजिए, हो सकता है आपकी विदेश यात्रा हो जाए। 92.7 बिग एफएम पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेकर कन्या राशि तक का भविष्य नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार और चंद्र के गोचर के अनुसार। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहद। नक्षत्र चाहे जो भी हो, चंद्रमा चाहे कहीं भी गोचर करे, स्थिति ग्रहों की उल्टे पलटे, लेकिन जिसके साथ साईं हैं उसको किस बात की चिंता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। क्या सुबह है, एकदम धुंधलका सा, और मुझे लगता है कि ये ठंडी बयारें मुझे छूती हैं तो मुझे सिहरन सी उठती है। मुझे लगता है प्रभु मेरे साथ है, मुझे लगता है मेरा कान्हा वो दूर कहीं बंसरी बजाता है और बुलाता है मुझे, कहता है कि रास रच ले मेरे साथ, क्योंकि ये सुबह ही कुछ ऐसी है जिसमें मैं ही मैं हूँ यानी कि मेरा कान्हा। मैं साथ हूँ आपके शहर कार्यक्रम में, मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको तुला से लेके मीन राशि तक का भविष्य। आनंद लीजिए इस सुबह का, क्योंकि आनंद में ही परमानंद और परम तत्व वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। तुला राशि। लग्न में आ गए चंद्रमा आपके और आप एकदम कॉन्फिडेंट स्थिति में आ गए, बहुत अच्छी स्थिति हो गई आपकी। और आज चंद्रमा भी आपको ये संदेश देते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपको इन दिनों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीनी ज़्यादा खाने से आपकी तबीयत बिगड़ती है। थोड़ा सा माइंड कीजिए, कहीं आपको कोई ब्लड से रिलेटेड, कोई डायबिटीज़ से रिलेटेड परेशानी है तो उसको चेक करा लीजिए, शुगर बढ़नी नहीं चाहिए। और अभी फ़िलहाल जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आपको 11:52 के बाद का भी सूट करता है, पहले वाला भी सूट करता है, बल्ले बल्ले, और चंद्रमा का मूवमेंट भी। तुला राशि के लिए तो आज का दिन सबसे उत्तम। वृश्चिक राशि के लिए आपके द्वादश में चंद्रमा आपको करते हैं थोड़ा सा बेचैन, पैसे से रिलेटेड खर्चे की चिंता आपको। अब सोचिए ना, पैसा आता है तो खर्च तो होगा ही, तो पैसा होता किस लिए, खर्च करने के लिए। और अभी जो नक्षत्र है आपको वो 11:52 के पहले वाला सूट करेगा और बाद में जो है राहु के नक्षत्र में आप काम से रिलेटेड चीज़ों को लेकर भ्रमित रहेंगे, परेशान रहेंगे, पिता की तबीयत को लेकर परेशान रहेंगे। धनु राशि के लिए आज चंद्रमा जो है आपके लाभ में बने हुए हैं और लाभ में बने रहने से आपको पैसे आते हैं और साथ में आपकी पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। ये बात अलग है कि आपको जो बाद वाला नक्षत्र है स्वाति का, उसमें आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको कुछ सोचता नहीं है और गुरु भी बैठा हुआ है अभी एक आध दिन और राहु के साथ में स्टैंड स्टिल है, वो रुक गया है, उसकी गति रुक गई है आगे बढ़ने से पहले, तो आप बहुत बेचैन हैं। अब ये स्थिति बदलेगी और आप में निखार आएगा और आपका काम भी अच्छा बनेगा। बस एक बात है, अपनी माँ के साथ आप दुर्व्यवहार न कीजिए, वो आपकी गुरु समान है। मकर राशि के लिए आपको सूट करता है आज 11:52 के बाद वाला नक्षत्र, पहले वाला नक्षत्र आपको देता है बेचैनी, आपके पैसे से रिलेटेड, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड। झगड़ा मत कीजिए लोगों के साथ में,
नहीं तो आप पैतृक संपत्ति से वंचित रह जाएंगे। और स्थिति को बदलने के लिए अभी थोड़े दिन और बाकी हैं, 18 सितंबर तक शांति बनाए रखनी है। हालांकि कई विषयों में मंगल शनि युति, मंगल जो स्वग्रही आया हुआ है वो लाभ भी दे रहा है लोगों को, लेकिन शनि उसे रोकता है और शनि तो आपके लग्न का लॉर्ड है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का लॉर्ड शनि जो कि दशम में बैठा हुआ है मंगल के साथ अस्वस्थ है, लेकिन अस्वस्थ होने के बावजूद आपको उद्यत करता है लैंड से क्रय विक्रय कराने की किसी चीज़ों में। हालांकि आपको जो नक्षत्र है 11:52 के बाद वाला सूट करता है। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आपके जो आज के जो नक्षत्र हैं 11:52 से पहले वाले वो सूट करते हैं, मतलब कि 12 बजे से पहले जिनको ज़रूरी कॉल करने हैं आप कीजिए, अपने काम बनाइए। बाद वाला नक्षत्र आपको ऐसा भ्रमित कराता है कि शायद आपके कोई दुश्मन तो नहीं, शत्रु तो नहीं, और आप बेफजूल ही चिंतित हो जाते हैं। स्थिति से बचने के लिए और सभी राशि वालों को राहु की स्थिति से बचने के लिए एक उपाय बताती हूँ। अपने सास ससुर की सेवा कीजिए और साथ में कुछ लोगों को हेल्प कीजिए, कुछ लोगों को दान कीजिए, पंछियों को दाना डालिए। इन सब स्थिति से आप सबको आराम मिलेगा। 92.7 BFM पर मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का भविष्य। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए एक मजेदार एस्ट्रोलॉजिकल टिप, जो कामिनी खन्ना की विशेषता है कि चलते फिरते उपाय हो जाते हैं, ऐसी कुछ बातें आपको बताती हूँ। सुबह की वेला है, शाम के नाम का रस बरस रहा है चारों ओर, मैं भीग भीग जाना चाहती हूँ, क्या आप भी? 92.7 BFM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। सुन रहे हैं आप सहर कार्यक्रम, एक ऐसी सहर जो बड़ी ही मंगल शुभ और बहुत ही तेजसी है, जो सात्विक विचार फैलाती है, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, जो मोटिवेशन की बात करती है, जो बात करती है आपके उन्नत होने की, आपकी एक्सरसाइज, आपके योगा, आपके मेडिटेशन की, जो बात करती है आपके फल और फ्रूट खाने की, हेल्दी डाइट खाने की। ऐसी सहर में मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एस्ट्रोलॉजिकल टिप लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए। बालों में तेल लगाना बड़ी कॉमन सी बात है ना, और न चाहते हुए और कभी चाहते हुए और अनजाने में आप बालों में तेल लगाते ही रहते हैं। अब जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो ये तेल जो है वो शनि का द्योतक है, और बाल जो हैं वो भी शनि का द्योतक है, और आपकी खोपड़ी जो है उसकी त्वचा जो है वो सूर्य का द्योतक है। तो दो उपाय हो गए, आपने शनि का उपाय कर लिया जब आपने तेल बालों में लगाया, और जब आपने खोपड़ी में तेल लगाया, नेचुरली बालों में लगाया तो खोपड़ी में भी जाएगा, सूर्य और शनि दोनों का उपाय हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि छोटी छोटी बातें हम करते रहते हैं और हमको नहीं पता कि किसके क्या उपाय होते हैं, और कैसे भोले बाबा और कैसे माता रानी, गणपति जी, सब भगवान मिलके मेरी कृपा कर देते हैं और सब मेरे श्रोता जो हैं वो एकदम टकाटक हो जाते हैं। 92.7 BFM पर मैं कामिनी खन्ना मिलती रहूँगी आपको सहर कार्यक्रम में, और आपकी समस्याओं के निदान के लिए मैं रूबरू भी होंगी आपसे कुछ ही दिनों में। थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, तब तक आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल 92.7 BFM पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। सारा ज्ञान बखानने के बाद भी मैं अभी जाकर आराधना में बैठ जाऊंगी, माँ की आराधना में। जय जीवदानी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।